पहले मुझे ये बताइए, आपको सिर्फ स्लाइड दिख रही है या सब दिख रहा है, इसके स्लाइड नंबर वगैरह भी, तो ये चीज चेक करनी स्लाइड। होती है। सिर्फ स्लाइड दिख रही है, ओके थैंक यू। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई से, और फंजाई अभी तक हम पढ़ चुके हैं किंगडम मोनेरा के बारे में, ठीक है, किंगडम मोनेरा, और उसके बाद हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा में सभी थे यूनी सेलुलर और प्रोकैरियोट थे। प्रोटिस्टा में सभी यूनी सेलुलर और यूकैरियोट थे, ठीक है। मोनेरा के अंदर भी हमने कुछ डिवीजन पढ़े, प्रोटिस्टा हमने तीन टाइप के पढ़े, ठीक है, मोनेरा हमने पांच टाइप के कौन कौन से पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था आर की बैक्टीरिया, फिर यू बैक्टीरिया, फिर साइनो ठीक बैक्टीरिया, फिर एक्टिनोमाइसिटीज, फिर माइकोप्लाज्मा, ये हमने पढ़े थे। प्रोटिस्टा में हमने तीन तरह के प्रोटिस्टा पढ़े, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, कंज्यूमर प्रोटिस्टा और प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा प्लांट से मिलते थे, कंज्यूमर डिकम्पोजर फंजाई और एनिमल्स, मतलब कि जो ये प्रोटिस्टा किंगडम है ये रिलेट करता है बाकी सभी किंगडम से, मतलब ये मोनेरा किंगडम का लिंक सेट करता है बाकी के तीन किंगडम्स के साथ, दैट इज फंजाई, प्लांट और एनिमल। एक एक प्रोटिस्टा तो हमने ऐसा देखा जिसके अंदर प्लांट के कैरेक्टर में मिल रहे थे, मतलब उसके स्पोर्स के पास सेल वॉल थी जो कि सेल्यूलोज से बनी हुई थी, है ना, और फंजाई से ये मैच कर रहे थे और एनिमल से ये मैच कर रहा था, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम स्टार्ट करें किंगडम फंजाई को। फंजाई के कैरेक्टर हम अभी जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके फादर कौन है। तो फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, ये बात मैंने आपको कब पढ़ाई थी, क्या पढ़ा रहा था उस टाइम पे, मैं आपको उस टाइम में पढ़ा रहा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में, मैंने वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था, और तब मैंने बताया था कि माइकोलॉजी क्या है। और जब भी मैं माइकोलॉजी बोलता हूँ साथ के साथ मैं एक और वर्ड जरूर बोलता हूँ, दैट इज फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसकी स्टडी है? कोई बात नहीं, ये होती है एल्गी की स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। और जो इसके फादर है वो है पी एंटोनियो, इनका नाम ऐसे ले जाता है पी एंटोनियो, ठीक है ना, ये है फादर ऑफ माइकोलॉजी। इसके बाद फंजाई के कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसके हैबिटेट की, वो ही सीक्वेंस, ये यूबीक्विटस होते हैं, देखो बोला तो जाता है ये भी कॉस्मोपोलिटन होते हैं फंजाई भी, लेकिन मैंने यहाँ पे यूबीक्विटस लिखा है, इसका मतलब है कि ये टेरिस्ट्रियल भी मिल सकते हैं और एक्वेटिक भी मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये टेरिस्ट्रियल मिलते हैं और कम नंबर्स में ऐसे फंजाई हैं जो कि एक्वेटिक मिलते हैं, ठीक है। जनरल फीचर्स की ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं इससे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी की। तो देखिए ये सभी यूकैरियोटिक हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, इनकी सेल वॉल के पास सेल्यूलोज होता है या फिर काइटिन। अच्छा, मैंने काइटिन के बारे में पहले कभी कुछ बताया हो, काइटिन हम फंगल सेल्यूलोज को बोलते हैं, मतलब ऐसा सेल्यूलोज जो किसके अंदर मिल रहा है, फंगस के अंदर मिल रहा है, ठीक है ना, ऐसा सेल्यूलोज जो फंजाई के अंदर मिल रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं फंगल सेल्यूलोज, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है, काइटिन क्या होता है, फंगल सेल्यूलोज को काइटिन बोलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए, हाँ, लेकिन देखो ऐसा बोला जाता है कि यीस्ट के अंदर ये जो सेल वॉल है ये नहीं मिलती है,
सुने ध्यान से, यीस्ट के अंदर सेल्यूलोज थोड़ा सा तो मिलता है, मतलब जो काइटिन है वो थोड़ा सा मिलता है, बहुत कम, ठीक है ना। जितना ज्यादा बाकी फंजाई के अंदर हमें देखने को मिलेगा, यीस्ट की सेल वॉल में बहुत कम, या फिर सेल मतलब बहुत कम काइटिन मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे ही नहीं कि ये सेल वॉल टाइप जैसा कुछ है। आप ऐसा मानिए कि एक दीवार है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से ईंट और सीमेंट लगाए हैं, तो वो दीवार जैसी दिख रही है, ठीक है ना। मैं बना देता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एक दीवार ऐसी है जिसमें बहुत अच्छे से मैंने ईंटें लगा रखी हैं, और एक दीवार ऐसी है जिसमें मैंने ईंटें कभी नीचे ही पड़ी है, बस यहाँ पड़ी है, बहुत कम ईंटें पड़ी है। तो क्या ये दीवार कहलाई, क्या ये एक एक वॉल कहलाएगी आपकी, जिसमें मैंने ईंटें ही बहुत कम यूज करी हैं। अब इन ईंटों को तुम क्या मान लो, सेल्यूलोज मान लो, या फिर काइटिन मान लो, फंजाई का, ठीक है, काइटिन। अब मैंने काइटिन यहाँ तो कम यूज किया है, यहाँ मैंने बहुत ज्यादा काइटिन यूज किया है। तो यीस्ट के साथ ऐसा ही है कि उसके अंदर काइटिन जो होता है बहुत कम मिलता है, ठीक है, बहुत कम काइटिन मिलता है, और बाकी फंजाई के अंदर काइटिन बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो हम उसको बोल रहे थे कि इसके अंदर वॉल मिलती है और इसके अंदर वॉल नहीं मिलती है। मैंने आपको एक्चुअल केस बताया है, ठीक है ना। अब कोई आपसे ये कहे कि यीस्ट के अंदर काइटिन मिलता है या नहीं, तो आपको बोलना है यीस्ट के अंदर काइटिन मिलता है, लेकिन कम अमाउंट में मिलता है विद रेस्पेक्ट टू अदर फंजाइज। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। यस सर। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है कि फंजाई दो फॉर्म में मिलेंगे, एक तो मिलेगा यूनिसेलुलर फॉर्म में, ठीक है, यूनिसेलुलर फॉर्म में, और एक मिलेगा मल्टी सेलुलर फॉर्म में। मशरूम खाया है कभी, मशरूम खाया, यस। मशरूम नहीं खाते मशरूम, अच्छा ठीक है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है यीस्ट, और ये ही इसका ओनली यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है, ओनली, ठीक है ना। सिर्फ ये ही एक ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर जो फंजाई है उसके एग्जाम्पल में मशरूम लिख देता हूँ, मशरूम, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब देखो, ये फिलामेंटस मिलते हैं नॉर्मली, नॉर्मली जो फंजाई है वो फिलामेंटस मिलेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो दो फॉर्म में मिलेंगे, या तो देखो, ये यीस्ट की बात चल रही है, यूनिसेलुलर जो फंगाई है वो दो फॉर्म में मिलेंगे, मतलब तो कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या तो वो कॉलोनियल फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना, कॉलोनी बनाएगा इस तरह से, या फिर वो मिलेगा फिलामेंट्स की फॉर्म, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको इस तरह से बताया है, ये क्या है, फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है। तो यीस्ट जो है वो यूनिसेलर है और ये फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हाइफी की बात कर रहे हैं, देखो हाइफी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हाइफी, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए फटाक से, 3 सेकेंड खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद, हाँ जी, अब मैं बात कर रहा हूँ हाइफी की। देखो, फंजाई जो होता है इसके अंदर माइसीलियम ग्रो होते हैं, जब मैंने आपको एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ाया था बैक्टीरिया के अंदर, तब मैंने बताया था इसके कैरेक्टर जो होते हैं वो फंजाई से मैच करते हैं, बताया था नहीं बताया था, जब मैंने तुम्हें रे फंजाई यस बताया था सर। कि यस सर। एक्टिनोमाइसिटीज को हम रे फंजाई बोल सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमें क्या देखते थे, उनके अंदर हमें माइसिलियम दिखते थे, ठीक है ना, माइसिलियम। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक माइसिलियम बना दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये माइसिलियम है। इस माइसिलियम के अंदर में आप देखिए बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही हैं, ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, ठीक है ना, ये ब्रांचेस है, ये जितनी भी इसकी ब्रांच है हर एक ब्रांच को मैं हाइफी बोलूंगा, ठीक है ना, ये क्या है, हाइफी। अब पता चल गया माइसिलियम और हाइफी में क्या डिफरेंस है, माइसिलियम तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और हाइफी इसकी हर एक ब्रांच को बोलेंगे हम, क्लियर है, समझ में आ गया। अब मैंने उस टाइम पे आपको हाइफी के यस बारे में, सर। हाँ थैंक यू, हाइफी के बारे में मैंने आपको और भी चीजें बताई थी, लाइक कि हाइफी, देखो मैं एक ही डायग्राम में आपको दोनों तरह के हाइफी दिखा रहा हूँ, हाइफी आपका सेल्यूलर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कशन किया था, ये है सेल्यूलर, सेल्यूलर बोल दें, या फिर सेप्टेट, ये हाइफी कैसा है, सेप्टेट है, क्लियर है, ये हाइफी कैसा है, सेप्टेट, क्योंकि इसके बीच में हमें क्या दिख रहे हैं यहाँ पे,
यहाँ पे हमें सेप्टा दिख रहे हैं, ठीक है, और जिसके अंदर हमें सेप्टा नहीं दिखते हैं ऐसे हाइफिफम कोएनोसाइटिक बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई भी सेप्टा नहीं है तो ये कैसे हाइफी हो गए, ये हो गए कोएनोसाइटिक, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, क्या नहीं है इसके अंदर, सेप्टा नहीं है। समझ में आ रहा है, ये सब चीजें हम रे फंजाई के टाइम पे ही पढ़ चुके हैं, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तब समझ में नहीं, कोई बात नहीं, अब तो समझ लिया। तो ये क्या है, ये है माइसीलियम, ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, कैसे भी सो गए क्या तुम लोग, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, यस सर, ओके ओके, अरे रेस्पॉन्सिव बना करो, रेस्पॉन्सिव, रिएक्टिव नहीं, रेस्पॉन्सिव बने। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं दुनिया में, बच्चे क्या, इंसान भी, मैं भी, तुम भी, सब, देखो दो तरह के इंसान होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा एक लड़का एक लड़की होता, मैंने कोई, अच्छा मैंने, हाँ मैंने दो तरह के इंसान लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बंदा ये है जो कि रेस्पॉन्सिव है, ठीक है, रेस्पॉन्सिव, ये रेस्पॉन्स देता है हर चीज का, और एक ये है जो कि रिएक्टिव है। अब ये बात कहना सर आप लड़कियों को क्यों ऐसा दिखा रहे हो, ऐसा मेरा कोई भी एजेंडा नहीं है, ठीक है, एक होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव लाइक लाइक इससे कुछ कह दिया, किसी गर्दन देखी कितनी बड़ी है, इसकी गर्दन देखी कितनी बड़ी है, अच्छा इसके बाल देखे कितने बेकार लगते हैं, है इसकी ड्रेस देखी कितनी बेकार है, ऐसी कितनी ही बातें लोग कहते हैं आपके बारे में, आप उस सब के लिए रिएक्ट कर जाते होंगे कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे बारे में। तो उस टाइम पर आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओ, आप खुद को ये ना समझे कि मैंने इसको रिएक्ट कर दिया, फिर उसकी मैंने वापस से बेइज्जती कर दी, अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला है और मैंने बदले में उसके लिए कुछ बोल दिया और उसकी मैंने बोलती बंद कर दी तो मैं ग्रेट पर्सन बन गया हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये होते हैं रिएक्टिव लोगों के काम, जो उनके बारे में कुछ बोलेंगे तब तो देंगे जवाब। अब रेस्पॉन्सिव क्या होता है, लाइक आपके कोई एल्डर है, कुछ समझा रहे हैं तो उसको अच्छे से सुन रहे हैं, प्रॉपर जवाब दे रहे हैं, तो ये होता है रेस्पॉन्सिव क्लास, ठीक है ना, वो रेस्पॉन्स देना होता है जब कोई आपसे कुछ अच्छी बातें कर रहा है, मतलब पॉजिटिव रिप्लाई देना, अच्छी चीजों के लिए रिप्लाई देना, वो होता है रेस्पॉन्स। और रिएक्ट विक क्या होता है, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, कुछ जहर उगल रहा है सामने वाला, गाली दे रहा है, बदले में आप भी गाली दे रहे हो, वो ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, एंड में जाके किसी एक की तो बोलती बंद होगी, तो ये हो गए रिएक्टिव। और एस जो रिएक्ट कर जाएगा वो आगे कैसे निकलेगा, आप खुद देखें, देखो दो तरह की गैस होती है, एक होती है इनर्ट गैस, ठीक है ना, एक होती है इनर्ट गैस, सुना इनर्ट गैस, नाम सुना इनर्ट गैस, यस सर, अनरिएक्टिव गैसेस, हाँ, और एक होती है रिएक्टिव गैस, मान चलो कोई भी रिएक्टिव गैस में ले, रिएक्टिव गैस, ठीक है। अब आगे कुछ भी पड़ा है, कुछ भी गंदगी पड़ी है, इसके अंदर 100 तरह की अच्छाइयां भी हैं, 100 तरह की बीमारियां भी हैं, गंदगी भी है, बेकार चीजें भी हैं बहुत से। अब मैं अच्छाइयां क्यों बोलूं, क्योंकि इस गंदगी में भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको हम रिसाइकल करके कुछ बना सकते हैं, मान के चलो। अब जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, मान चलो ये है कोई पर्सन वन जो इनर्ट गैस की तरह जिसका बिहेवियर है, और एक है पर्सन टू। तो रिएक्टिव गैस को अपने कैरियर में आगे बढ़ना, लेकिन ये इन्हीं में घुस में इसी के अंदर रह जाएगा, और जो रिएक्टिव गैस, अनरिएक्टिव गैस, इनर्ट गैस है, वो तो कैरियर में आगे खिल जाएगा, क्योंकि उसको तो रिएक्शन से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, इन गंदे लोगों की बातों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है। अब इनर्ट गैस को भी अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे, जैसे कि ज़ीनॉन है, उसको अगर हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे, जैसे कि अब मैं दे रहा हूं तुम्हें, तो ये इसके अंदर में भी रिएक्शन होने लग जाती है, ठीक है। तो मिले सही लोगों से, मिले रेस्पॉन्सिव बने, रिएक्टिव ना बने, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट नहीं है तो ले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ, ठीक है।
चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ तक हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी तक, इसके बाद आगे बात करते हैं लोकोमोशन की। तो देखो ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है ना, फंजाई नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन इनके जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स जो है, देखो स्पोर्स दो तरह से पैदा होते हैं, ए सेक्सुअली भी स्पोर्स पैदा होते हैं। वो कैसे पैदा होते हैं बता रखा है, बॉडी से ही, बॉडी के अंदर में स्पोर्स पैदा होंगे और वो स्पोर्स जॉइन पे जाके गिरेंगे या फिर कहीं भी गिरेंगे, फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और उससे न्यू फंजाई पैदा होंगे। उस स्पोर्स से क्या पैदा हो जाएंगे, न्यू फंजाई पैदा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो होता है ए सेक्सुअल केस। सेक्सुअल केस में क्या होता है, दो स्पोर्स बनेंगे हैप्लॉयड हैप्लॉयड और ये आपस में फ्यूज करेंगे और फिर क्या बना देंगे, जायगोट बना देंगे। ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। तो स्पोर्स देखो बच्चे दो तरह के होते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फंजाई की। तो फंजाई क्या है, यहाँ पे नॉन मोटाइल है, जबकि इनकी जो स्पोर्ट्स हैं वो फ्लैजिलेट है, मतलब इनके स्पोर्ट्स के पास क्या मिलेगा, फ्लैजिला मिलेगा, ठीक है। इनके स्पोर्ट्स के पास क्या मिल सकते हैं, फ्लैजिला मिल सकते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें तो ये पैरासाइटिक नरिशमेंट होता है इनका, और सेप्रोफाइटिक भी होता है। आप जानते होंगे सेप्रोफाइटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक। अच्छा आपने 10th क्लास में लाइकन सुना होगा, नहीं सुना तो माइकोराइजा तो जरूर सुना होगा, और सिम्बायोटिक सर एसोसिएशन, हाँ लाइकिंग सुना लाइकन सुना है ना। तो देखो माइकोराइजा क्या होता है, सुन लीजिए मैं बता देता हूँ। हायर प्लांट्स होते हैं कुछ, हायर प्लांट्स मतलब एडवांस प्लांट, मतलब लेटेस्ट प्लांट जो कि आएंगे उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैंने आपको ये पहले ही किसी क्लास में बताया था। तो इनकी जो रूट्स होती हैं, तो इन हायर प्लांट की रूट्स के साथ फंजाई का एसोसिएशन होता है, फंजाई का मतलब मान लो यहाँ पे फंजाई रहता है इनकी रूट्स में, फंजाई। तो फंजाई का एसोसिएशन प्लांट की रूट्स के साथ, उसी कंडीशन को हम बोलेंगे माइकोराइजा, ठीक है ना। माइको मतलब फंजाई और राइजा वर्ड आया है आपकी रूट से। तो रूट्स के साथ राइजा मीन्स, देखना याद रखना, रूट, और माइको मीन्स होता है फंजाई, ठीक है। तो फंजाई के एसोसिएशन उनकी रूट्स के साथ, उसी को हम बोलेंगे माइकोराइजा, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है, ठीक है ना, नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, बहुत सारी चीजें प्लांट को फायदा देता है, बदले में प्लांट भी इसको नरिशमेंट देता है, ठीक है। तो इस तरह के एसोसिएशन को हम बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम मीन्स टुगेदर और बायो मीन्स लिविंग, जब दो लिविंग एक साथ रह रहे हैं, हर वर्ड का मीनिंग होता है, ठीक है। और जो इनका रिजर्व फूड है वो क्या है, ग्लाइकोजन है और ऑयल ग्लोब्यूल्स है। ग्लाइकोजन और किसका रिजर्व फूड है, ग्लाइकोजन कल भी डिस्कस किया था, ग्लूकोज हाँ, ग्लूकोज तो बनता है ग्लाइकोजन से। मैंने ये बताया था कि ग्लाइकोजन और कौन स्टोर करता है, हम लोग भी, ह्यूमन भी तो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं, लिवर में स्टोर करते हैं, ठीक है, ये बात ही मैंने बताई थी। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है इस उम्र में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन इनका है एरोबिक, एंड यू ऑल नो व्हाट इज दिस, ठीक है। इसके लिए भी कुछ पूछना है कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। नो सर ओके, अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो इनके अंदर तीनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलेंगे, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है फंजाई, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। मतलब इस पूरे बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन चैप्टर का हीरो बोलता हूँ मैं अपने केस में, मतलब मुझे ये ही सबसे ज्यादा मेन रोल लगते हैं इसी के, ठीक है ना। तो फंजाई इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और फंजाई आपका साथ नहीं छोड़ेगा 12th क्लास तक भी, देखते जाओ बस कैसे कैसे, ठीक है। इसके बाद इसके बाद बात करते हैं इसके डिस्टिंग फीचर की। तो देखो बच्चों यहाँ पे फंजाई, देखो यू कार्पिक भी हो सकता है। यू कार्पिक वो होता है जब इनकी बॉडी के थैलस का कोई भी हिस्सा, एक पार्ट है उसके थैलस का कोई भी हिस्सा रिप्रोडक्टिव बन जाए, ठीक है ना। और ये होलो कार्पिक भी हो सकते हैं जब इनका पूरा का पूरा थैलस ही क्या बन जाए, रिप्रोडक्टिव बन जाए। अब ये थैलस क्या, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हाँ 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 यही बात मैं बोल रहा था कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो थोड़ा सा वेट करें, मैं इस थैलस को जरूर समझाऊंगा अभी, उससे पहले आप ये समझ लें ये होमोथैलिक भी हो सकते हैं और हेटरोथैलिक भी हो सकते हैं। होमोथैलिक का मतलब देखो क्या है, होमोथैलिक का मतलब ये है जब मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही थैलस पर हो, मतलब सेम थैलस पर, ये है थैलस एक, ठीक है ना। अगर मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही थैलस पर है तो उसको हम होमोथैलिक बोलेंगे, और अगर वो अलग अलग थैलस पर हैं तो उसको हम बोलेंगे हेट्रो थैलेसिक,
सॉरी मैं आगे होमोथैलिक हेट्रोथैलिक, बस थैलस क्या है अभी बताऊंगा, पहले आप ये समझेंगे ठीक है। तो ये है हेट्रोथैलिक का, ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रो मीन्स है डिफरेंट, तो जब मेल और फीमेल ऑर्गन डिफरेंट थैलस से मिलेंगे तो उसको हम ये बोलेंगे, ठीक है। और किसने डिस्कवर किया था ये दोनों बातें, ब्लैक ब्लैक एसली ने की थी, ब्लैक एसली, ब्लैक एसली, ठीक है, 1904 में। और ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ पैथोजन होते हैं इसमें से जो फंजाई बीमारियां कॉज करती है, जितने भी दाद खाज खुजली वगैरह जो कुछ भी बीमारियां हैं वो सब फंजाई कॉज करते हैं, ठीक है ना। और ये पेस्ट की तरह भी रहते हैं, कुछ पेड़ों को भी ये खत्म कर देते हैं फंजाई, और फूड को भी, हमारे खाने को भी खराब कर देते हैं फंजाई, कर देते नहीं कर देते। आपने ब्रेड माउल्ड के बारे में सुना है, ब्रेड माउल्ड? यस तो ब्रेड माउल्ड जैसे कि राइजोपस को बोलते हैं हम, ठीक है। यस तो सर वो फूड को कॉन्टामिनेट कर देता है। और देखो ये यूजफुल भी होते हैं, इनका हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि फंजाई आपका साथ 12th क्लास तक भी नहीं छोड़ेगा, और जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब आप 12th क्लास में पढ़ोगे, तो वहीं हम फंजाई को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एंटीबायोटिक के रूप में भी यूज की जाती है। जब मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो एंटीबायोटिक्स है वो फंजाई से बनाई जाती है, तो अब यहाँ पे फंजाई का देखो यूज भी आ गया कि इसका यूज हम किस में करेंगे, एंटीबायोटिक में करेंगे। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनी थी वो किससे बनी थी, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से, पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक बनी थी, है ना। और इसका काम हम एल्कोहल प्रोडक्शन में भी करते हैं। यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज हम करेंगे एल्कोहल प्रोडक्शन में, ठीक है ना, एल्कोहल प्रोडक्शन में। और फिर आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था माइकोराइजा, और देखो ये रोडोटोरुला, ये भी यस एक सर एग्जांपल है, ठीक है। अब सब चीज होने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि सर ये थैलस क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थैलस क्या होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई से पहले मैं आपको थैलस ही समझा देता हूँ क्या होता है थैलस, बस यहाँ पे मुझे ब्लैंक पेज मिल रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ ऐसे। देखो जो थैलस क्या होता है, अच्छा, प्लांट के अंदर एक सबसे पहला डिवीजन है थैलोफाइटा, ठीक है ना, सबसे पहला डिवीजन है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट्स का यस जो क्लासिफिकेशन, सर अच्छा थैलोफाइटा हम एल्गी को ही बोलते हैं, ठीक है ना, एल्गी को, क्योंकि प्लांट्स के अगर हम बॉडी को देखें तो उसके अंदर हमें अलग अलग चीजें दिखनी चाहिए, जैसे कि उनके अंदर हमें रूट्स, ठीक है, उनके अंदर हमें रूट्स दिखना चाहिए, स्टेम दिखना चाहिए, लीव्स दिखना चाहिए, ब्रांचेस दिखनी चाहिए, फ्लावर दिखने चाहिए, मतलब कि इसकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, इसकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन मुझे अच्छे से दिखने चाहिए। और इन्हीं डिफरेंट ऑर्गन की स्ट्रक्चर अगर क्लियरली विजिबल है तो इनके डिफरेंशिएशन को मैं बोलूंगा वेल डिफरेंशिएशन, मतलब कि हाईली डिफरेंशिएशन या फिर गुड डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसा है, अच्छा है। डिफरेंशिएशन मीन्स इनकी बॉडी की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो क्लियरली विजिबल है, कि अगर मैं रूट्स की बात करूँ तो रूट्स मुझे क्लियरली दिख रही हैं, स्टेम की बात करूँ तो स्टेम्स मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मुझे हर चीज क्लियरली दिख रही है, डिफरेंट ऑर्गन अच्छे से दिख रहे हैं, तो उस ऐसी स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा वेल डिफरेंशिएटेड, या फिर वेल डिफरेंशिएशन उसकी बॉडी में दिख रही है, ठीक है। अब जिन प्लांट्स के अंदर ये सब डिफरेंशिएशन मुझे नहीं दिखता है, मतलब ना तो रूट्स क्लियरली दिख रही है, ना ही स्टेम, ना ब्रांचेस, कुछ भी मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मैं एक वर्ड यूज कर देता हूँ थैलस। क्या वर्ड यूज कर दूंगा, और सर थैलस क्या होता है, तो थैलस बस रिप्रेजेंट यस करता है अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर को, ओके अनडिफरेंशिएटेड सर स्ट्रक्चर्स को ये रिप्रेजेंट करता है थैलस, ठीक है ना। तो अगर मैं थैलस वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मुझे उसके अंदर वेल डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिल रहा है, ना तो रूट्स, ना लीव्स, ना कुछ कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, सब चीजें फ्यूज हुई पड़ी आपस में। तो एलगी भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसके अंदर मुझे ना तो रूट्स क्लियरली दिखेंगी, ठीक है ना ही स्टेम्स क्लियरली दिखेंगे, मतलब कुछ भी इसकी बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे लेकिन लीफ नहीं मिलेंगी,
लीफ नहीं लेकिन क्या मिलेगा, लीफ लाइक जरूर मिल जाएगा। तो सर मैं थैलस वर्ड हम कब यूज करते हैं, थैलस बस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर को। क्लियर है सर मैं आ गया यहां तक, ठीक है। थैलस बता देंगे अब क्या होता है, और थैलोफाइटा भी मैंने अभी डिस्कस कर दिया एलगी का, यस सर, जो कि प्लांट्स के अंदर एलगी है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर फर्दर यूज, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड बनाई है मैंने। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फंजाई, फंजाई के अंदर देखो चार डिवीजन हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज, फाइकोलॉजी। अभी बताया था मैंने फाइकोलॉजी, मैं माइकोलॉजी नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं हम, एल्गी। हाँ चलो फाइनली आप लोगों ने बता दिया, तो फाइकोलॉजी हम बोलते हैं एल्गी की स्टडी को। और एल्गी आता है प्लांट किंगडम के अंदर में, तो इसके जो कैरेक्टर है वो एल्गी से मैच करेंगे। इसके बाद बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज, एस्को वर्ड आता है एस्काई से, एस्काई मतलब होता है पोरस, पोरस मतलब इसकी बॉडी के अंदर होलो खाली जगह होगी, इसके स्पोर्स के अंदर खाली जगह होगी, जिनको हम एस्काई बोलते हैं, और उसको एस्को स्पोर्स आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, और फिर आगे ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको भी हम जानेंगे, ठीक है। फिलहाल तो फाइकोमाइसिटीज सबसे ज्यादा प्रिमिटिव, सबसे ज्यादा पुराना जो फंजाई है वो फाइकोमाइसिटीज, जो सबसे पहला आया था। फिर एस्कोमाइसिटीज, इसको हम सैक फंजाई बोलते हैं, सैक मतलब खाली जगह, और खाली जगह कहाँ मिलेगी मैंने बता दिया, ठीक है। फिर आता है बेसिडियोमाइसिटीज, इसको हम क्लब फंजाई बोलते हैं, ठीक है, क्लब फंजाई। क्लब आपने देखा होगा ताश में क्लब होता है ना, क्लब क्लब होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, तो क्लब की जैसी शेप होती है इन फंजाई की, वो मैं दिखा दूंगा कैसे कैसे। मशरूम देखा होगा, मशरूम समझ जाओ, और ताश में किसी चीज की स्ट्रक्चर तो मिलता होगा, वो जो हम कार्ड्स खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलता, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की, ड्यूटेरोमाइसिटीज में ये फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, मतलब ये इम्परफेक्ट है, मिस्टर इम्परफेक्ट है ये, ठीक है ना। एक होते हैं मिस्टर परफेक्ट, एक है मिस्टर इम्परफेक्ट, तो इम्परफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा मैं इसको रिलेट मत करना कि बायोलॉजी में भी मिस्टर परफेक्ट और मिस्टर इम्परफेक्ट होते हैं, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें सेक्सुअल स्टेजेस जो होती हैं वो क्लियरली नहीं दिखती है, इसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस जो होती हैं वो क्लियरली नहीं, क्लियर नहीं दिखती है, तो मतलब परफेक्ट सा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, आप अपने फेवरेट एग्जाम्पल देख लीजिए कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी एग्जाम्पल जो मैं लिख दिए वो सब आपको याद होने ही चाहिए, क्लियर है, याद कर लोगे इन्हें? यस सर। अच्छा आपको करना क्या है, ये वाला जो टेबल्स वगैरह मैं बना रहा हूँ इसको बनाना उस फाइल के या फिर जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में, और जो भी मैंने वो कैरेक्टर्स बताए थे उनको लिखना उसके राइट साइड में, ठीक है। जो मैंने अभी अभी डिस्कस किए थे फीचर लाइक इसका हैबिटेट एंड ऑल, हैबिटेट से लेकर उसका डिस्टिंक्ट फीचर तक, वो आपको वहां लिखना है, क्लियर है, इतना कर दोगे। और इसके बाद देखिए हम कल पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज, ठीक है ना, कल हम फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे, इनको हम ट्रू फंजाई बोलते हैं, और ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स जो आपने कहीं तो देखी होंगी जो मैंने यहाँ दिखा रखी है, क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। राइजोपसी तो है ये, आपने देखा होगा ना, यस सर। अच्छा इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ, मतलब स्टॉप ही कर देता हूँ।